तमाम देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पंजाब डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ की किस्त नंबर 8 में आज हम बात करेंगे तारीखी सरजमीन ज़िला जेहलम की। ये कि इस ज़िला की तारीख कितनी पुरानी है, कौन सी सल्तनतों ने इस शहर पर अपनी हुक्मरानी का अलम लहराए रखा, इस सरजमीन को जेहलम ही क्यों कहते हैं, कब इस सरजमीन को इंतज़ामी तौर पर तहसील और फिर ज़िली हैसियत से नवाजा गया, और मौजूदा दौर में इसका कुल रकबा और महल्ले वकू क्या है वगैरह। मगर इससे पहले मेरी आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन पर भी क्लिक करते जाएं, ताकि आइंदा आने वाली तमाम इस तरह की अहम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। ज़िला जेहलम की सरजमीन आज जिस जगह वाक़ है, इस सरजमीन की तारीख 5000 साल से भी ज़्यादा कदीम है। ये इस वक्त की बात है जब बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी नहीं हुआ था। इस हवाले से मुसन्नफ़ अंजम सुल्तान शहबाज अपनी किताब तारीख़ जेहलम में लिखते हैं कि इस सरजमीन को आबाद करने वाले कदीम लोगों का ताल्लुक द्रावड़ नस्ल से था। द्रावड़ों ने इस सरजमीन में अपनी बस्तियाँ बसाईं और इर्द गिर्द के इलाका में फैलते चले गए। वो मज़ीद लिखते हैं कि द्रावड़ों के बाद कोल, आर्यन, संताल और मंडा कबाइल के लोग भी यहाँ रहाइश पजीर हुए। इस सरजमीन पर बेशुमार हिंदू और मुस्लिम राजाओं ने अपनी हुक्मरानी का परचम लहराए रखा, जिनमें राजा पोरस का नाम काबिल ज़िक्र है। नाज़रीन, ये बात सैयदिना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से करीबन 327 साल पहले की है, जब इस पूरे इलाका में राजा पोरस की सल्तनत कायम थी। वो पंजाब का एक गैरतमंद महाराजा था, जिसने इस वक्त की तेज़ी से उभरने वाली यूनानी सल्तनत के ताकतवर तरीन हुक्मरान सिकंदर यूनानी को ललकारा और इसका जवां मर्दी से मुकाबला किया। इस शहर का तذکرہ करते वक्त मुसन्नफ़ ग़ुलाम सरवर क़ुरैशी अपनी किताब तारीख़ मख़्ज़न पंजाब की सफ़ा नंबर 309 पर लिखते हैं कि यह कस्बा दरिया जेहलम के दाहिने किनारे पर शहर लाहौर से 100 मील शुमाल मगरब के गोशा में आबाद है। अगरचे आबादी इसकी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक बारौनक मुकाम है। इस शहर पर सबसे ज़्यादा हुक्मरानी करने वाली मुगलिया सल्तनत है, जिसने 316 साल तक इस सरजमीन पर राज किया। मुग़लों के बाद ये सारा इलाका सिखों की खालसा सल्तनत का हिस्सा ठहरा, जिन्होंने तकरीबन 48 साल तक इस सरजमीन पर अपनी हुक्मरानी का परचम लहराया। सिखों के जवाल के बाद इस सरजमीन पर बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा हो गया। अगस्त 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो ये शहर मगरबी पंजाब के हिस्से में आ गया, जो कि अब पंजाब के कुल 36 अज़ला में से एक अहम ज़िला है और जिसका सदर मुकाम जेहलम शहर है। वजह तस्मिया की बात की जाए तो इस शहर का नाम संस्कृत जुबान के दो अल्फाज जल और हम पर मुश्तमिल है, जिसमें जल का मतलब पानी और हम का मतलब ठंडा और मीठा के हैं, जिसका मतलब हुआ ठंडे पानी की धरती। एक और रवायत के मुताबिक इसको ये नाम यूनानी मुरखों ने दिया, क्योंकि जेहलम यूनानी जुबान में एक छोटे नेज़ानुमा हथियार को कहा जाता है। चूँकि यूनानी फौज ने राजा पोरस का मुकाबला इन्हीं नेज़ों से किया, इसीलिए इस मुकाम को जेहलम कहा जाने लगा। इसके अलावा एक और रवायत के मुताबिक इसका नाम जाय अलम भी रखा गया। कहते हैं कि इसको ये नाम दारा अव्वल के पोते दारा सालस ने दिया, जिसने सबसे पहले इस वादी को फतह किया और इस सरजमीन पर अपनी फतह का झंडा गाड़ा, और यूँ इस सरजमीन का नाम जाय अलम मशहूर हो गया, जिसका लफ्जी मतलब परचम लहराती सरजमीन के हैं। हिंदुओं की सबसे कदीम किताब ऋग्वेद के मुताबिक इस सरजमीन का कदीम नाम वातासंता है, जिसको बाद में आने वाले लिखारियों ने जदास्ता भी लिखा हुआ है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सरजमीन जेहलम का तذکرہ हो और रोहतास गढ़ का ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इस सरजमीन की अगर कोई पहचान है तो वो दरियाए जेहलम के बाद किला रोहतास है, जिसकी बुनियाद मशहूर ज़माना अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने सन 1542 ईस्वी में रखी। इस किला को बनाने का मकसद मुग़लों और गखड़ों का हमला रोकना था, ताकि सूर सल्तनत की मगरबी सरहद महफूज रह सके। इस किला का नाम हिंदुस्तान के सूबा बिहार में मौजूद रोहतासगढ़ से लिया गया। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था।
यानी इसी नाम का किला भारत में भी मौजूद है। किले की तरतीब तकरीबन त्रिकोण सी है, जिसमें 68 बुर्ज, 184 बुर्जियाँ, 6,881 किंगरे और 8,556 सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। इसके अलावा किला में दाखिल होने के लिए 12 बड़े दरवाजे भी बनाए गए थे। ये दरवाजे फन तामीर में अपनी मिसाल आप हैं। दीगर इमारतों में शाही मस्जिद, हवेली महाराजा महान सिंह, रानी महल, बावलियाँ, तालाब और फांसी गार्ड के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इस सरजमीन को ज़िली हैसियत बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरे इकतदार में 1849 ईस्वी को मिली, जब इन्होंने पंजाब में खालसा सल्तनत को शिकस्त देकर पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया तो इंतजामी तौर पर सूबा पंजाब में ज़िला तश्कील दिए गए, जिनमें एक जेहलम शहर भी ज़िला के तौर पर शामिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट गजेटर ऑफ जेहलम के सफ़ा नंबर 2 के मुताबिक इस ज़िला में इब्तदाई तौर पर 4 तहसीलों को शामिल किया गया, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: तहसील जेहलम, तहसील पिंड दादन खान, तहसील चकवाल और तहसील तिलागंग, जिनमें से अब तहसील चकवाल ज़िला बन चुका है और तिलागंग इस ज़िला की एक तहसील है। ज़िला जेहलम सूबा पंजाब की रावलपिंडी डिवीजन के कुल 4 अज़ला में से एक अहम ज़िला है। इस ज़िला को मौजूदा 4 तहसीलों में तकसीम किया गया है, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: तहसील जेहलम, तहसील पिंड दादन खान, तहसील दीना और तहसील सोहावा। सरजमीन जेहलम सूबा पंजाब के पोटोहारी खित्ते में वाक़ है। इस ज़िला के शुमाल में ज़िला रावलपिंडी, शुमाल मशरक में आज़ाद जम्मू कश्मीर का ज़िला मीरपुर, मशरक में ज़िला गुजरात, मगरब में ज़िला चकवाल, जनूब में 2 ज़िला सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन, और जबकि जनूब मगरब में ज़िला खुशाब वाक़ हैं। दरियाए जेहलम, जो कि इस ज़िला का सबसे बड़ा सियाहती मुकाम है, इसके जनूब और मशरक से होकर गुजरता है। 2017 ईस्वी की मरदमशुमारी के मुताबिक इस ज़िला की कुल आबादी 12,22,403 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 71% अफराद का ताल्लुक देहात और जबकि 29% शहरों में रहाइश पज़ीर है। इस ज़िला की शरह ख्वानदगी की अगर बात की जाए तो वो 78% है। नाज़रीन, अगर रकबा की बात की जाए तो ये ज़िला सूबा पंजाब में 3,587 मरबा किलोमीटर के अंदर तक फैला हुआ है, जो कि सूबा पंजाब के कुल रकबा का 1.7% बनता है। ज़िला के लोगों की मादरी ज़ुबान पंजाबी है, जो कि सूबा की सूबाई ज़ुबान का दर्जा भी रखती है। यहाँ पर पंजाबी ज़ुबान के 4 मुख्तलिफ लहजे बोले और समझे जाते हैं, जिनमें माझी पंजाबी, पोटोहारी पंजाबी, धुनी पंजाबी और शाहपुरी पंजाबी शामिल हैं। इसके अलावा दीगर ज़ुबानों में उर्दू और अंग्रेज़ी भी बोली और समझी जाती हैं, जबकि कौमी ज़ुबान इस ज़िला की उर्दू है। सियाहत की अगर बात की जाए तो इस ज़िला में कुल 8 ऐसे मुकामात मौजूद हैं, जिनकी हर उस शख्स को जो सियाहत में शौक़ रखता है लाजमन सैर करनी चाहिए। इन मकामात में दरियाए जेहलम, किलाए रोहतास, टिल्ला जोगियाँ, केवड़ा साल्ट माइन, रसूल बेराज, शहाबुद्दीन गोरी का मकबरा, नंदना फोर्ट और अलेक्जेंडर मॉन्यूमेंट के नाम शामिल हैं। शहर जेहलम मुल्की दारुलकूमत इस्लामाबाद से 116 किलोमीटर, सूबाई दारुलकूमत लाहौर शहर से 170 किलोमीटर, शहर दीना से 16 किलोमीटर, पिंड दादन खान से 86 किलोमीटर और तहसील हेडक्वार्टर सोहावा से 44 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। नाज़रीन, ये थी ज़िला जेहलम के बारे में मुख्तसर मगर बहुत ही अहम मालूमात। अगर आपको मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। शुक्रिया। Thank you.